हेलो, करंट अफेयर्स की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और स्पीसीज न्यूज पर है। ये इससे पहले भी स्पीसीज और न्यूज पर एक वीडियो बना है। पेंगोलिन की एक नई स्पीसीज खोजी गई है और ये पेंगोलिन बेसिकली चाइना में खोजी गई है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ हाईली इंडेंजर्ड पेंगोलिन चाइना, ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन स्केल्स। ये मैमल का मतलब स्तनधारी, एक केवल ऐसा स्तनधारी है जो पूरी तरह से शल्क से, स्केल से ढका हुआ है। इसके शरीर पर पाए जाते हैं शल्क। एडल्ट मेल इज अबाउट 1/3 लार्जर देन द फीमेल। जो वयस्क पेंगोलिन है, वो मेल पेंगोलिन है, वो जो क्या कहते हैं, जो फीमेल जो है पेंगोलिन है, उससे साइज में 3 गुना बड़ा होता है। इफ अंडर थ्रेट विल इमीडिएटली कर्ल इन टू अ टाइट बॉल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन अपने आप को भय के कारण अपने आप को एक गेंद के आकार में मोड़ लेता है, जो है एक छल्ला बनाकर गेंद के आकार का अपने आप को मोड़ लेता है ये, जब इसको अगर खतरा होता है। हैबिटेट, जहाँ तक इसके निवास स्थान का मतलब है, 4 स्पीसीज लिव अफ्रीका में जो है पाई जाती है। 4 स्पीसीज है, ब्लैक बेलीड पेंगोलिन, वाइट बेलीड पेंगोलिन, जायंट ग्राउंड पेंगोलिन एंड टीमिंस ग्राउंड पेंगोलिन। टीमिंस ग्राउंड पेंगोलिन ये अफ्रीका के है, और एशिया में भी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी। इंडियन पेंगोलिन, फिलिपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन। और इंडियन पेंगोलिन का स्टेटस क्या है, IUCN में जो है इसका इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1st में है, और साइट में अपेंडिक्स 1st में आता है। ये इसका स्टेटस है। हुलॉक गिबन नेक्स्ट स्पीसीज जो न्यूज में रही है, वो है कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडियाज ओनली एप जो है हुलू गिबन वाज ए कॉज ऑफ कंसर्न एट अ ग्लोबल इवेंट ऑन गिबन्स हेल्ड इन चाइना। एक ग्लोबल जो है इवेंट हुई थी, कहाँ पर, चाइना में गिबन्स पर, तो उसमें चिंता व्यक्त की गई इसके संरक्षण स्थिति को लेकर। और ये भारत का कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडिया ओनली एप हुलू गिबन, भारत का एक मात्र ऐप है हुलू गिबन, जिसके विषय में ये चिंता व्यक्त की गई थी। अच्छा, गिब स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल ऐप कॉमनली फाउंड नियर रिवर्स। ये जो गिबन है सबसे छोटा और जो है तेजी से चलने वाला, फास्टेस्ट ऑल ऐप जो है जितने भी कपी प्रजाति के हैं या जो है वानर प्रजाति के जो हैं, बंदर हैं एक प्रकार से वानर है जो है कपी हैं, उनमें सबसे तेज़ी से और सबसे छोटा सबसे तेज़ी से ये जो है दौड़ता है। कॉमनली फाउंड नियर रिवर्स, सामान्य रूप से ये जो है नदियों के पास पाया जाता है। ओमनिवर्स एंड ये सर्वभक्षी है एंड सर्वाइव बाय ईटिंग फ्रूट्स, इंसेक्ट की फलों को, पत्तियों को और कीटों को खाकर जो है जीवित रहता है। हैबिटेट इसका है लिव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में रहता है। हुलू गिबन यूनिक टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, भारत में भी जैसे मैंने कहा इसके कंजर्वेशन को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर जो है एक चिंता व्यक्त की गई थी। चाइना में जो कन्वेंशन, जो एक ग्लोबल इवेंट हुई थी, हुलू गिबन्स यूनिक टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, भारत के उत्तर पूर्व में जो पाया जाता है, इज वन ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ गिबन्स ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली 20 प्रजातियों में से जो है भारत में भी एक है, अपने आप में यूनिक है, और ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है अपने आप में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, IUCN स्टैंडर्ड क्या है, वेस्टर्न हुलॉक गिबन इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और जो है ईस्टर्न हुलॉक गिबन जो है वल्नरेबल जो है स्टेटस है IUCN में इसका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1st में है, और साइट में अपेंडिक्स 1st में है।
नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है, ये नामदफा जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। फ्लाइंग मिसिंग फॉर 42 फ्लाइंग स्क्वायरल्स रिसर्फेस अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्क है नामदफा जो है नेशनल पार्क, वहाँ पर 42 वर्ष के बाद जो है ये उड़ने वाली गिलहरी जो है पुनः देखी गई। और नॉक्टर्नल ये रात्रि चर है जो है, मतलब रात्रि में ही दिखाई देती है, रात्रि में ही जो एक्टिव होती है रात के समय ही। और इंडेमिक है यानी कि स्थानिक यहीं पर है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भारत के उत्तर पूर्व में पाई जाती है। मैमल है ये जो है। ओनली नोन विद अ सर्टेनिटी फ्रॉम अ सिंगल स्पेसिमेन कलेक्टेड नाम द नेशनल अरुणाचल प्रदेश में, ये इसका एक नमूना प्राप्त हुआ है निश्चित रूप से एक कह सकते हैं, यानी कि नामदफा नेशनल पार्क का है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये पाई गई है उड़ने वाली गिलहरी। अच्छा, इसके लिए खतरे क्या है? पोचिंग यानी कि अवैध शिकार और हैबिटाट लॉस यानी कि इसके निवास स्थान की समाप्ति हुई, विलुप्त उसको नष्ट किया गया, नष्ट हुए और जिसकी वजह से ये खतरा बना हुआ है इसके लिए। हैबिटाट ऑक्यूपाइंग ड्राई डेसिडस माउंटेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइंग मोइस्ट फॉरेस्ट ट्रैक अलोंग रिवर्स, ये जो है शुष्क पतझड़ वन जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ख़ासकर जो है ये स्ट्रीम्स है जहाँ कर जलधाराएँ चलती हैं या नदियाँ बहती हैं, झरने चलते हैं, वहाँ पर आर्द्र वनों के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये इनका हैबिटाट है, निवास स्थान पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में टिप्पणियाँ की है और मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट टू कम अप विद प्लान्स टू सेव द बर्ड स्पीसीज, सॉरी इस पक्षी प्रजाति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप योजना के साथ आइए कि इसको कैसे संरक्षण किया जाए। एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाई जाती है या स्थानिक रूप से यहीं से संबंध है। ओमनिवरस है ये, सर्वभक्षी है। मेल प्ले नो रोल इन द इनक्यूबेशन, इसके इनक्यूबेशन में मतलब सेने में अंडा, इनक्यूबेट का मतलब होता है अंडा सेना वगैरह में जो मेल का कोई रोल नहीं होता और जो यंग छोटे बच्चे होते हैं उनके जो है देखभाल में भी मेल की कोई भूमिका नहीं होती। और IUCN में इसका स्टेटस है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में है और साइट में अपेंडिक्स फर्स्ट में आ रहा है। बस्टर स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, भारत में ये तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। इसको जो है सोन चिरैया भी कहते हैं मध्य प्रदेश में, गोडावन राजस्थान में, मलढॉक जो है महाराष्ट्र में कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये थोड़ा मैटर पेंडिंग है क्योंकि जो सोलर जो पावर को जो है सोलर जो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो हाई वोल्टेज तार बिछाए जा रहे हैं राजस्थान और गुजरात में, उससे ये टकराती है जिससे उसे जो है क्या कहते हैं इसके नष्ट होने के खतरे हैं, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो थ्रेट हैबिटाट लॉस इसके निवास स्थान की और जो है इसके कलिजन की, इसके टकराट विद हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स जो है हाई टेंशन वाले जो बिजली के तार हैं उनसे टकराने से इसके खतरा है और सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग भी है। हैबिटाट मेनली कन्फाइंड टू राजस्थान गुजरात एंड फ्यू ट्रैक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये मुख्य रूप से इसका जो निवास स्थान है राजस्थान गुजरात और कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा संख्या इसकी जो है राजस्थान में पाई जाती है, किसकी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ये इम्पोर्टेंट है,